बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नवजात को कुत्ता लेकर भाग गया है। विभूतिपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कार्टन में इसे रखा गया था, मृत नवजात को रखा गया था। तो आपको बता दें कि बड़ी लापरवाही एक बार फिर से समस्तीपुर के स्वास्थ्य महकमे से ये बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है, जहां पर एक नवजात को कुत्ता लेकर भाग गया है। विभूतिपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो एक बार फिर से स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही समस्तीपुर से सामने आई है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले भी हमने ये खबर दिखाई थी, जहां पर एक्सपायर्ड इंजेक्शन एक मरीज को लगाया जा रहा था। परिजनों के विरोध के बाद डॉक्टरों का ध्यान इस पर गया और तब जाकर मरीज की जान बची। और अब समस्तीपुर से ही ये खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, इसे लापरवाही नहीं बल्कि बड़ी लापरवाही कहेंगे, जहां पर नवजात को एक कुत्ता लेकर भाग गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता संजीव। जी संजीव, अगर बात की जाए तो एक ही दिन में दो बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी बिल्कुल, समस्तीपुर जो स्वास्थ्य महकमा है बिल्कुल पूरी तरह लापरवाह दिखता है। अभी आज मैंने सुबह ही बताया था कि वहाँ एक्सपायर दवा जहाँ मरीजों को दी जा रही थी, वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है विभूतिपुर पीएससी की, जहाँ एक माला देवी नामक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था, वो जन्म के बाद ही मर गया था। और उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद वहाँ कुत्ते ने उस बच्चे को नोच कर उठाकर बाहर ले गई और उसको बुरी तरह नोच दिया। जी अगर बात की जाए, छोटी लापरवाही से नहीं कही जा सकती है, क्योंकि एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है बच्चा मृत पैदा हुआ, लेकिन एक माँ की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं और उस बच्चे के शव को एक कुत्ता लेकर भागता है। क्या कुछ कहना है जो अधिकारी हैं वहाँ के, जो परिजन हैं या जो वहाँ के आम लोग हैं, क्या कुछ कहना है इस पर उनका? जी अभी इस पूरे मामले पर मैंने समस्तीपुर के सिविल सर्जन से बात की थी, उन्होंने तो इस पूरे मामले ही पर अनभिज्ञता जताई कि उन्हें कुछ बात की कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद मैंने विभूतिपुर पीएससी के प्रभारी अरविंद कुमार से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि हाँ यह बच्चा मृत पैदा हुआ था, जिसके बाद नर्स ने उसके परिजन को सौंप दिया था, और चूंकि काफी भीड़ थी, जिसके बाद क्या हुआ उसमें यानी साफ तौर पर संजीव कहा जा सकता है कि इस मामले में भी जो अस्पताल प्रशासन है, प्रबंधन है, वो अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है, जैसा कि अन्य मामलों में होता है। तमाम जानकारियों के लिए संजीव आपका बहुत बहुत धन्यवाद।